हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। अब आप पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। पिछले लेक्चर में आप लोग डिस्कस किए थे कौन से चैप्टर्स और उसके चैप्टर्स के बारे में। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्डी चैप्टर्स एंड उसके चैप्टर्स आपको बतानी है। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्फीबिया के बारे में। तो आपको पता है कि एम्फीबिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें आ रहा है? वर्टीब्रेटा में पढ़ रहे हैं। वर्टीब्रेटा का मैंने दो पार्ट में भागा था, एक हमने देखा था एक ना था, दूसरा देखा था गैनेथोस्टोमाटा। एक ना था आपने पढ़ा था साइक्लोस्टोमाटा के बारे में, गैनेथोस्टोमाटा में आपने पढ़ा था पाइसेस पढ़ा था और टेट्रापोडा पढ़ा था। पाइसेस में आपने दो पढ़ा था कॉन्डीचाइटस क्या होता है हमने देखा, ओस्टियोचाइटस क्या होता है हमने डिस्कस किया, दोनों का एग्जांपल मैंने बताया आपको। आज डिस्कस करेंगे हम लोग टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में इसका मतलब बियर लिम्स होगा। इसमें कौन कौन आएगा? एम्फीबिया पढ़ेंगे, रेप्टिलिया पढ़ेंगे, मैमल्स पढ़ेंगे और एप्स पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, नोट्स भी बना रहे होंगे आई थिंक। ओके, टेट्रापोडा देखिए, टेट्रापोडा होता है क्या? फोर। पोडा में होता है लेग्स, लिम्स, मतलब एनिमल्स विद फोर लिम्स, यानी कि इस ग्रुप के इस क्लास, ये क्या है? क्लास ही तो है ना, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सुपर क्लास पढ़ रहे हैं। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सुपर क्लास। ये क्या पढ़ रहे हैं? सुपर क्लास पढ़ रहे हैं। तो सुपर क्लास में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स विद फोर लिम्स यानी टेट्रापोडा के बारे में। अब उसका क्लास क्या है? एम्फीबिया है, उसका क्या है? रेप्टिलिया पढ़ेंगे, एप्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे मैमल्स। आई थिंक बहुत ही जल्दी हमारा एज लेक्चर क्या होगा, चैप्टर क्या होगा, इंड हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पीएचडी करवा रहे हैं क्या? नहीं, मैं पीएचडी नहीं करवाऊंगा। बेसिकली जो कंटेंट हमारा एनसीईआरटी का वही डिस्कस करेंगे ना। मैं मानता हूँ कि इस लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है ना, 19 लेक्चर 20 लेक्चर पहुंच रहा है, तो क्या कीजिएगा, छोड़ भी तो नहीं सकते ना। अब जो पढ़ना है आपने देखा होगा कुछ एम्फीबिया जो वाटर के सरफेस पर लाइव करते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल पर लाइव होते हैं, यानी कि दो नेचर का होगा, है ना। आजकल स्टूडेंट में क्या होते हैं? एम्फीबियंस हो गए हैं। कभी क्या ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, कभी ऑफलाइन पढ़ लेते हैं। मौका मिला ऑनलाइन पढ़ लिए, मौका मिला ऑफलाइन पढ़ लिए। तो आप भी क्या है? एम्फीबियंस टाइप के हैं। हम लोग भी, हम अपन लोग भी क्या एम्फीबियंस टाइप के हैं। तो यही है एम्फीबियंस ड्यूल, बायोमिस लाइफ। कहता है एनिमल्स हैविंग ड्यूल लाइफ दैट इज एक्वाटिक एंड वेरी टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक का मतलब जो वाटर में रहता हो, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पर रहता हो। फिर इसमें बताया इसके हैबिटेट क्या होगा। हैबिटेट दो तरह का देखा, एक एक्वाटिक दूसरा टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक में कौन रहेगा? जो लार्वल फॉर्म में आएगा। लार्वल का मतलब बताइए, लार्वल का मतलब क्या? अरे लार्वल का मतलब जो एक से फर्टिलाइज हुआ, स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद एक इम्यूनो टाइप का बना, वो लार्वा हुआ। तो इसका जो लार्वा होगा किसका? एम्फीबिया का लार्वा होगा, वो किसमें होगा? एक्वाटिक होगा। जबकि एडल्ट की बात करेंगे वो लैंड पर होगा, टेरेस्ट्रियल होगा। क्लियर है? आगे देखिए सेम पेन साइज क्या होगा? वेरिएबल होगा। यानी कि आप नहीं कह सकते हैं इसी साइज 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वेरिएबल है, चेंज करता है। इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं, बॉडी डिवाइडेड होगा हेड एंड ट्रंक में। इसकी बॉडी डिवाइडेड होगी हेड और ट्रंक में। क्लियर है? हेड का पोर्शन आगे वाला पोर्शन, ट्रंक का मतलब उसके पीछे वाला पोर्शन, ट्रंक बोल देते हैं उसको। ठीक है, नेक इज ऑप्शन, इसमें गर्दन नहीं होता है। आप कभी नहीं देखोगे कि एम्फीबिया वाटर के सरफेस से निकला है और ऐसे करके देख पा रहा है लेफ्ट कभी राइट, नहीं। तो एम्फीबिया क्या होगा? ऑप्शन होगा। लेकिन सम एनिमल्स हैविंग टेल, कुछ एनिमल्स इसमें आप देखेंगे आपको टेल दिखेगा। जैसे आप देखेंगे सालामेंडर, सालामेंडर इज अ गुड एग्जांपल हैविंग प्रेजेंटिंग नेक। इसके अलावा आपको एम्फीबिया में कॉमन मानते हैं कि क्या होता है? नेक नहीं होता है। क्लियर हो गया यहां तक, है ना? तो आई थिंक नोट भी कर लिए होंगे, तो काफी आसान है एम्फीबिया के बारे में। अब देखते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। अब बेसिकली एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया पढ़ लेंगे, एप्स पढ़ लेंगे, फिर मैमल्स पढ़ के हमारा क्या होगा? ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन लोग किसमें घुस जाएंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में घुस जाएंगे उसमें, है कि नहीं। तो कौन कॉन्सेप्ट है? टू डीएनसीईआरटी पॉइंट आपको बताई जा रही है। अब देखिए यहां से बात होती है माउथ के बारे में, बात करेंगे टीथ किस तरह का होगा वो देखेंगे। हो सकते एम्फीबिया अपने आप में ब्रॉड है कि नहीं। आप इसकी इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो पता चला कि एम्फीबिया से ही हम लोग आए हैं, है कि नहीं। इसकी माउथ की बात करेंगे तो माउथ क्या होगा? वाइड होगा, चौड़ा होगा और साथ में क्या होगा? टर्मिनल होगा। ओके,
फिर आप देखेंगे तीत टंग, टंग की बात करने के बताए टंग होगा इसमें नहीं होगा, टंग होगा कैसा होगा लॉन्ग होगा एंड प्रोट्रूसिबल होगा, प्रोट्रूसिबल, प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है जिसका टंग बाहर आता है बाहर निकल जाए उसको बोलते हैं प्रोट्रूसिबल बोलते हैं। ओके आपका नहीं तीत में क्या है तीत आप समझ लीजिए तीत का तीत में क्या क्या आएगा होमोडोंट क्या आएगा होमोडोंट। फिर आप देखेंगे हेटरो हेटरोडोंट नहीं बल्कि पॉलीडोंट क्या देखेंगे जबकि पॉलीडोंट देखेंगे। फिर आप देखेंगे एक्रोडोंट देखेंगे क्या देखेंगे एक्रोडोंट। होमोडोंट का मतलब होता है सिमिलर टीथ क्या होता है सिमिलर टीथ एक ही तरह का टीथ होगा उसको बोलेंगे होमोडोंट बोलेंगे। पॉलीडोंट बोलेंगे मल्टीपल टीथ डिफरेंट तरह का टीथ होगा उसको बोलेंगे मल्टी क्या बोलेंगे उसको पॉलीडोंट बोलेंगे। एक्रोडोंट बोलेंगे टीथ आर क्या होगा टीथ जो होगा अटैच्ड जो होगा टीथ टीथ आर हां टीथ आर अटैच्ड विद बोन टीथ आर अटैच्ड विद कहां बोन में अगर टीथ जो उसका बोन में धंसा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे एक्रोडोंट बोलेंगे। आसान है अब देखिए रिस्पायरेशन इसमें क्या क्या होगा इसमें रिस्पायरेशन होने का तरीका क्या है एम्फीबिया में तो एम्फीबिया आप देखेंगे गिल्स के थ्रू होगा जिसको बोलेंगे फायरेंजियल रेस्पायरेशन क्या बोलेंगे फायरेंजियल रेस्पायरेशन क्या बोलेंगे फायरेंजियल रेस्पायरेशन। किसमें होगा लार्वल फॉर्म में होगा किस फॉर्म में होगा लार्वल फॉर्म में होगा। लंग्स लंग्स के थ्रू होगा आपको याद है लंग्स के थ्रू क्या बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन पल्मोनरी रेस्पायरेशन। फिर आप देखेंगे स्किन स्किन के थ्रू होगा उसको बोलते हैं कूटेनियस रेस्पायरेशन। कितना आसान है कि नहीं। एक्सक्रीशन की बात करेंगे एक्सक्रीशन के थ्रू होगा सीधी सी बात है थ्रू किडनी होगा स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं राइट ऑन कमेंट बॉक्स देते हैं किसमें कितना दम है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या 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 होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आप देखेंगे क्या होगा लार्वल फॉर्म जो लार्वल फॉर्म में होगा वो निकालेगा क्या जी वो निकालेगा अमोनिया अमोनिया जो अमोनिया निकालता है उसको क्या बोलते हैं जो यूरिया निकालेगा उसको क्या बोलते हैं कटाकट होना चाहिए सब है कि नहीं। जो यूरिया निकालेगा यूरियोटोलिक जो अमोन निकालेगा अमोनियोटोलिक जो यूरिक एसिड निकालेगा यूरिकोटोलिक वाह है कि नहीं। ध्यान दीजिए माउथ क्या होगा इसका माउथ चौड़ा होगा टर्मिनल होगा वाइड वाइज चौड़ा होगा टर्मिनल का मतलब आगे निकला हुआ रहेगा ठीक है। टंग की बात करें तो लंबा टंग टंग होगा और प्रोट्रूसिबल होगा इसका टंग आसानी से क्या होगा बाहर निकल जाएगा उसको बोलते हैं प्रोट्रूसिबल बोलते हैं ठीक है। टीथ की बात करें हाँ स्नेक का भी टीथ बाहर टंग बाहर आता है देखिए निकाल देगा बाहर निकल देता है वो हाँ तो यानी कह सकते हैं कि स्नेक का भी क्या है प्रोट्रूसिबल है। ओके टीथ की बात करें तो होमोडोंट पॉलीडोंट एक्रोडोंट। होमोडोंट का मतलब सिंगल टीथ रहेगा उसको बोलेंगे होमोडोंट मल्टीपल टीथ रहेगा उसको बोलेंगे पॉलीडोंट टीथ आर अटैच्ड विद बोन्स को बोलेंगे एक्रोडोंट। आप पता है एक होता है हेटरोडोंट होता है टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ इसको हेटरोडोंट आप पढ़ेंगे है ना। रिस्पायरेशन का गिल्स गिल्स से शुरू होगा रिस्पायरेशन होगा फायरिंगियल रिस्पायरेशन होगा किसमें लार्वा फॉर्म में होगा। लंग्स ध्यान दीजिए बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है जब मैं बाल कहीं लिखा हुआ हिपाइटो इसका मतलब होता है लीवर कहीं लिखा हुआ नेफ्रो इसका मतलब होता है किडनी कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कहीं लिखा हुआ आपको हिपाइटो हो गया लीवर हो गया नेफ्रो कहीं लिखा हुआ पल्मोनरी मतलब लंग्स कहीं लिखा हुआ डर्मा इसका मतलब स्किन कहीं लिखा हुआ ओस्टियो इसका मतलब बोन। तो बायोलॉजी में कुछ कॉमन बातें जो आपको याद रखना है कहीं का हेपेटो लीवर नेफ्रो किडनी पल्मोनरी लंग्स डर्मा स्किन ओस्टियो बोन ठीक है। तो आपको याद हो गया गिल्स हो गया लंग्स हो गया लंग्स के थ्रू होगा तो क्या बोलेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू होगा कूटेनियस रिस्पायरेशन स्किन क्या होगा थ्रू किडनी के थ्रू होगा किन आश्चर्य किडनी मैं पूछा हूं नहीं बताऊंगा मैं नहीं। स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट क्या होगा लार्वा फॉर्म रहेगा तो अमोनिया और जो अमोनिया निकालता है उसको क्या बोलते हैं अमोनोटेलिक जो यूरिया निकालता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक आप क्या निकालते हैं आपको क्या बोलेंगे वो लिखेंगे। ओके
क्यों डालू। तो एक और कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनेटर विद द एम्पिरिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। एम्पिरिया इतना आसान नहीं है, हालांकि आसान नहीं है फिर भी हम लोग एनसीईआरटी पॉइंट हम लोग बातें कर रहे हैं जो कि नीट में हो, बोर्ड लेवल का हो, है कि नहीं। तो पूछता है इसमें एम्पिरिया माने, है ना। अब इसमें क्लोका वगैरह बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्लोका कैसा होगा एम्पिरिया में, है ना। तो मजा लेगा अपन लोगों को। दिल नगर नजर क्या है मैं तो तेरी जान दूँ, दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरी जान दूँ, जान दूँ जान दूँ, दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरी जान दूँ। बात करते हैं लोग क्या क्लोका, कोलोका क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए मैं आपका कोलोका क्या होता है, कोलोका इसमें होगा। अब कोलोका क्या होता है वो बताता हूं मैं। देखिए जिसका एलिमेंट्री कैनाल, जिसका कौन कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसका यूरिनरी का ट्रैक्ट, जिसका जेनाइटल का ट्रैक्ट, क्या हो जेनाइटल का ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मींस नली पाथवे, ठीक है भाई, ट्रैक टूगेदर ओपन साथ में खुलता हो, टूगेदर ओपन कहाँ खुलता हो, इन कॉमन स्पेस में, कौन सा स्पेस में, कॉमन स्पेस में, है ना, कॉल्ड क्लोका, उसको क्या बोलते हैं, क्लोका बोलते हैं, क्लियर। इट ओपन, अभी बताऊंगा डायग्राम फिर ये, है ना, ओपन आउटसाइड, ओपन आउटसाइड किसके थ्रू, क्लोकल अपर्चर के थ्रू, कौन सा थ्रू, अपर्चर, अपर्चर के थ्रू। स्किन क्या रहेगा, स्किन की बात करेंगे तो मॉइस्ट स्लेमी स्किन, मॉइस्ट स्लेमी स्किन होगा, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, होगा ना, न्यूमरस ग्लैंड या म्यूकस कर सकते हैं, न्यूमरस ग्लैंड या फिर म्यूकस कर सकते हैं, न्यूमरस या फिर म्यूकस, न्यूमरस ग्लैंड या फिर म्यूकस कर लीजिए, न्यूमरस ग्लैंड, है कि नहीं, काफी होता है सब। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो क्या होगा, सबका अपना अपना होगा, है कि नहीं, डायगोसियस होगा, आप किसमें आएंगे उस पर देखेंगे। फर्टिलाइजेशन बताइए, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे डेवलपमेंट कैसे होगा, अरे यार डेवलपमेंट तो हम जानते ही है क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा बताइए नेचर ऑफ बर्थ क्या होगा, नेचर ऑफ बर्थ ओवी पेरेश होगा कि वीवी पेरेश होगा, सीधी सी बात है वो क्या होगा, ओवी पेरेश होगा, है कि नहीं। ब्लड सर्कुलेशन किस तरह का होगा बताइए, ब्लड का सर्कुलेशन क्लोज होगा कि ओपन होगा, यार क्लोज टाइप का होगा, किस तरह का होगा, क्लोज टाइप का होगा, है ना। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ सॉरी, एवरी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे, देखते हैं हम लोग क्या, देखिए क्लोका समझना है, देखिए क्लोका क्या कर रहा है, कहता है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ए वाला कैनाल एलिमेंट्री कैनाल आ गया, देखिए कैसा, ये क्या हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, फिर लीजिए बहुत समय है। फिर कहता है यूरिनरी ट्रैक, ये आपका क्या हो गया, यूरिन वाला ट्रैक हो गया, ये क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक हो गया। एंड जेनाइटल ट्रैक, ये आपका क्या हो गया, जेनाइटल वाला आ गया ट्रैक, ये आपका कौन सा नली है, जेनाइटल ट्रैक। मतलब क्या, एलिमेंट्री कैनाल वाला, यूरिनरी ट्रैक वाला, जेनाइटल ट्रैक वाला, ये सब कॉमन आके जहां खुल रहा है दिस स्पेस में, दिस स्पेस इज कॉल्ड क्लोका। बस सुनाइए, क्लोका इज नथिंग बट इट द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक आर ओपन इन वन चैम्बर, है ना, ओपन इन वन चैम्बर, वन स्पेस इज कॉल्ड क्लोका। अरे जस्ट लाइक चौराहे की तरह हो गया, आपको लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है, कोई कोई है ना, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, अब चार सब आके क्या हुआ, एक जगह पे मिला, इस जगह है चौक जो है ना, जो चौक हुआ का हुआ,
उसको क्या बोल देंगे, क्लोका बोल देंगे। वही ना हुआ एलिमेंट्री कैनाल वाला, यूरिनरी ट्रैक्ट वाला, अग्नेटल ट्रैक वाला, आपके जिस स्पेस को खुला उसी स्पेस को क्या बोल रहे हैं, क्लोका बोल रहे हैं। सुना हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट ओपन आउटसाइड थ्रू क्लोकल अपर्चर। अब ये आगे कहा क्या खुलेगा, और एक अपर्चर में खुलेगा इस तरह का। आगे लगे स्किन मोस्ट क्लीनी स्किन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूरस ग्लैंड म्यूकस रहेगा। इसकी स्किन देखेंगे काफी का मॉइस्ट रहेगा, काफी चिकना टाइप का होगा। आप हाथ में पकड़ेंगे हाथ से छट करके बाहर निकल जाएगा। तो उसके बॉडी में क्या है, न्यूरस ग्लैंड है, म्यूकस है, जिससे वो क्या काफी स्लिपी टाइप का है ना। इसका ट्यूटी की बात करेंगे, डायोसिस होगा यानी कि मेल पार्टनर अलग होगी, फीमेल पार्टनर अलग होगा। फर्टिलाइजेशन स्टर्नम होगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा। नेचर ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो ओविपेरस होगा, है ना। ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो पुरुष टाइप का होगा, है ना। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन करेगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी, कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा और है, हम लोग देखेंगे, कोशिश करते हैं कि हमारे एक लेक्चर में क्या हो, एक सुपर क्लास प्रक्रिया को खत्म कर लें, है ना। अब बाकी बचेगा रेप्टिलिया है, एप्स है, मैमल्स है, तो ठीक है करना क्या है, अपन लोगों का तो काम ही नहीं ना पढ़ने के अलावा, है कि नहीं। मेरे पास तुम्हें खोने के अलावा कुछ नहीं है, है ना। यानी कि पढ़ने के अलावा और कुछ है ही नहीं अपने पास। चलिए समझते हैं आगे, है कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, हर तरह अर्थ एम्फीबिया में अर्थ भूल गए, फिश में दो चम्बड़ हाट, एम्फीबिया में तीन चम्बड़ है, हाफ चम्बड़ हाट, रेप्टाइल्स में फोर चम्बड़ हाट, बर्ड्स में फोर चम्बड़, अपर लोग में फोर चम्बड़। तो याद भैया हाँ, लिख देते हैं क्या, हार्ट थ्री चम्बड़ हार्ट, कैसे कैसे होगा, दो अट्रिया एंड वन वेंट्रिकल होगा, ठीक है। इतना सॉरी टू अट्रिया, हाँ ठीक बताया, दैट इज इसका मतलब क्या होगा, टू ओरिकल्स, क्या होगा, टू ओरिकल्स या ओट्रिया, ओट्रिया एंड वन वेंट्रिकल्स। तो कितना चैम्बर हो गया जी, तीन चैम्बर हो गया। अपन लोग में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में फोर चैम्बर हार्ट, टू क्या होगा, टू आट्रिया और टू वेंट्रिकल, याद है आपको, ठीक है। आई की बात करेंगे तो एक जोड़ा होगा, वन पेयर आई होगा, और साथ में क्या होगा, पलक भी होगा, आई लीड्स भी होगा, है होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कि बात मोटिलिटी, अरे मोटिलिटी तो लिम्ब के थ्रू करेगा, और क्या कहते हो, मोटिलिटी थ्रू लिम्ब्स के थ्रू करेगा, थ्रू लिम्ब्स के थ्रू करेगा, उसके बाद अपने पास लिम्ब है ना, उसके थ्रू करेगा, है ना। तो ये पेयर, पेयर फिन्स लार्वा, पेयर लार्वा रहेगा उसमें पेयर फिन्स होगा, पेयर फिन्स इन लार्वा, ठीक है। तो ईयर आपको पता है, बॉडी, अच्छा बॉडी टेम्परेचर था ये, अच्छा ईयर की बात बताइए, इंटरनल ईयर होगा या नहीं होगा, है ना, ईयर, ईयर इंटरनल ईयर होगा, ईयर क्या होगा, इंटरनल ईयर होगा, इंटरनल ईयर होगा, जो रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय टेम्पेनम, क्या बोलेंगे उसको, टेम्पेनम, रिप्रेजेंटेड बाय क्या, टेम्पेनम। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो कौन सा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होगा। अब कोल्ड ब्लडेड क्या बोलते हैं, पाइकिलोथर्म्स, क्या बोलते हैं हम लोग, पाइकिलोथर्म्स। बताइए आप किस में आएंगे, हम वर्म ब्लड में आएंगे, होमियोथर्म्स में आएंगे हम लोग, है कि नहीं, मंगल्स है ना हम लोग, मंगल्स है, ह्यूमन बींग्स है, किसमें आएंगे, होमियोथर्म्स में आएंगे। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, हम लोग कॉन्स्टेंट रख रहा है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 96 डिग्री फारेनहाइट, आप जानते हैं, ठीक है। टैप्स ऑफ क्वेश्चन रहेगी हमें, चोट कबका, अब एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए एग्जाम्पल, एनसेट का एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया का एग्जाम्पल क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग बूफो, एनसाइटिंग में बूफो, जिसको बोलते हैं क्या, टोड़ टोड़ टोड़, है ना, रामा रामा टिगना। अब ऐसा भी आपको याद है, फ्रॉक्स का जो निकलने बोलते हैं रामा टिगना, रामा टिगना, पता है ये, मैं जब 9th क्लास में पढ़ रहा था उसमें चीजें बोला था, मुझे एचओडी हमारे पूछे थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्लास में 9th क्लास में पढ़ रहा था, बोलेगा फ्रॉक्स का जूलॉजिकल नेम कौन बताएगा। अब 9th क्लास का स्टूडेंट, और वो भी
उसमें कोई बताया नहीं था जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बोटेनिकल नेम क्या होता है, सबको पिटाई लगी, सबको खड़ा हो गए। हालांकि पता था, अब आप जान चुके हैं कि रानी टिकटिना क्या होता है, जूलॉजिकल नेम ऑफ, बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग्स का होता है। आपको किसी ने बताया नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, कैसे बता पाएंगे हम लोग। तो सबको पिटाई लगी, सबको क्लास लगा हुआ थी, बाद में पता चल गया। अब जो आप पढ़ते हैं, पिता कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। एक वहां होता है, एक जीनस नेम होता है, दूसरा स्पीशीज नेम होता है कि नहीं। चलिए, तो गुफो टोड डरना फ्रॉग हो गया, हाइला 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 ये पेड़ करता है, ट्री फ्रॉग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री फ्रॉग बोलते हैं। सालामंड्रा, आई बताया ना सालामंड्रा क्या था, इसमें नेक होता है, सालामंड्रा को बोलते हैं, सालामंडर बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इक्थियोपिस, इक्थियोपिस, इक्थियोपिस कौन सा, लिम्बलेस एम्फीबिया, क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया। तो आई होप बातें समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, हर फीचर पर हट है, टू वर्क्रीज एंड वन वेंट्रिकल, आई वन पेयर आरोपित होगा, आई लिड में ढका होगा, मुडिटी लिड का थ्रू होगा, पेयर फिंस होगा, लार्वम होगा। ईयर की बात करें, इंटरनल क्या होगा, प्रेजेंट कलर टिम्पनम को, बॉडी टेंपरेचर क्या होगा, कोल्ड ब्लड, कोल्ड कोल्ड ब्लड पार्ट ऑफ थर्मल बोलते हैं। इफिड एग्जांपल, बुफोर टोड राना फ्रॉग हाइला ट्री फॉर सालामंडर, सालामंडर इक्सोपिस लिम्बलेस लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं। तो यहां हमारा क्या हुआ, एम्फीबिया खत्म हुआ। अब आपको करने क्या है, एम्फीबिया को अच्छे से रिवीजन कीजिए और एग्जांपल को जवान पे रखिए, याद रखिए, ठीक है। लेक्चर को एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग रेप्टिलिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे, रेप्टिलिया, फिर एप्स, फिर मैमल्स। तो आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। लेक्चर को छोड़ते हैं और करते हैं और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।